पंकज गुजरात के एक गांव में रहता था। गुजरात में पतंग का एक त्योहार मनाया जाता है। पंकज को भी पतंग उड़ाने का बहुत शौक होता है और अभी तो इतना बड़ा त्योहार आने वाला था तो पंकज चाहता था कि उसके पास सबसे अच्छी पतंग हो। पतंग के लिए वे अपनी मम्मी पापा से कहता है, पापा पतंग वाला त्योहार आने वाला है, मुझे भी पतंग चाहिए। ठीक है, कल चलकर हम पतंग लेकर आएंगे, लेकिन तुम अभी से पतंग मत उड़ाने लगना, मैं फिर से पतंग नहीं दिलाऊंगा। ठीक है पापा। पंकज बहुत खुश हो जाता है कि कल वे पापा के साथ पतंग लेने जाएगा। इसी बात को सोच सोच कर पंकज को सारी रात नींद नहीं आती और सारी रात ना सोने की वजह से पंकज सुबह उठ ही नहीं पाता और पापा दुकान चले जाते हैं। जब पंकज की नींद खुलती है उसे पापा नहीं दिखते तो वह मम्मी से पूछता है, मम्मी आज तो पापा मुझे पतंग दिलवाने के लिए बाजार ले जाने वाले थे, लेकिन पापा तो दिख ही नहीं रहे हैं। तुम सुबह सो कर ही नहीं उठे तो पापा भी दुकान चले गए और बोल कर गए हैं शाम को तुमको लेकर बाजार जाएंगे पतंग खरीदने। ठीक है मम्मी। और पंकज अपने खेल में लग जाता है और शाम को पापा का इंतजार करता है। जब पापा घर आते हैं तो पंकज के चेहरे पर चमक आ जाती है। थोड़ी देर घर में रुकने के बाद पापा कहते हैं, चलो पंकज बाजार चलते हैं और पतंग लेकर आते हैं। पंकज तो पापा के बोलने का ही इंतजार कर रहा था और पापा के बोलते ही वो तैयार हो जाता है। फिर दोनों बाजार जाते हैं। बाजार में सुंदर सुंदर पतंग होती है। पंकज के पापा एक पतंग की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ पंकज को एक पतंग पसंद आती है। पंकज कहता है, पापा ये देखो मुझे ये वाली पतंग चाहिए। ठीक है हम इसकी कीमत पूछते हैं। पापा दुकानदार से पतंग की कीमत पूछते हैं। ये वाली पतंग की क्या कीमत है? ये पतंग 500 रुपए की है। 500 रुपए तो बहुत ही ज्यादा है, ऐसा क्या है इस पतंग में? ये पतंग विदेश से मंगवाई गई है। ये पतंग खराब भी नहीं होगी और इसको उड़ाने के लिए जो धागा है उसे कोई पतंग काट ही नहीं सकती। इतने में पंकज कहता है, पापा मुझे तो यही पतंग चाहिए है। पंकज जिद करने लगता है लेकिन पापा उसकी एक नहीं सुनते और घर वापस ले आते हैं। पंकज बहुत रोता है। पापा पंकज को दूसरे दिन वैसी ही बनावट की और बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली दूसरी पतंग लेकर देते हैं। पंकज तो पतंग देखकर खुश हो जाता है और पतंग को लेकर कमरे में चला जाता है। अब कुछ ही दिनों में पतंग वाला त्योहार भी आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और सबसे ज्यादा खुश होता है पंकज। माँ आज तो मैं पूरे दिन पतंग उड़ाऊंगा और मेरी पतंग कोई काट भी नहीं सकता। और इतना कहकर पंकज अपनी पतंग लेकर छत पर चला जाता है और पतंग बांधने लगता है। थोड़ी देर बाद पंकज पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। जैसे ही पतंग ऊपर जाती है पंकज सामने से ही आती पतंग को काट देता है और तुरंत पतंग को अपनी तरफ खींच लेता है। जो पतंग पंकज ने काटी होती है वे बहुत ही सुंदर होती है। जो पापा पंकज के लिए पतंग लाते हैं ये पतंग उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब पंकज पापा की लाई हुई पतंग को छोड़ देता है और दूसरी पतंग को उड़ाने के लिए उसे तैयार करता है। जैसे ही वे आसमान में पतंग को छोड़ता है पतंग तो अपने आप उड़ने लगती है। पंकज को उसे उड़ाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी होती और उस दिन पंकज बहुत सारी पतंग को काटता है। अब शाम हो जाती है और माँ पंकज को आवाज देती है, बेटा नीचे आ जाओ अब बहुत शाम हो गई है। पंकज तो बहुत खुश रहता है और पतंग का बहुत सारा ढेर लेकर नीचे आता है। सब इतनी सारी पतंग देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पापा पंकज को पूछते हैं, इतनी सारी पतंग कहाँ से आई? पापा मैंने ये सारी पतंग काटी है। ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन तुमने इतनी सारी पतंग कैसे काटी? मैंने सबसे पहले ये पतंग काटी, फिर इस कटी हुई पतंग से इतनी सारी पतंग काटी। ये मेरा पसंदीदा पतंग है। अब कल से पतंग के कंपटीशन में मैं यही पतंग लेकर जाऊंगा। ठीक है यही लेकर जाना। लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरे दिन पंकज का कंपटीशन होता है। पंकज उसी पतंग को लेकर जाता है और कंपटीशन जीत जाता है। पंकज और पंकज के माता पिता उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं। तभी एक बच्चा उनके पास आता है और कहता है, ये मेरी पतंग है,
ये मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाई थी और मुझे दी थी। अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मुझे ये पतंग वापस दे दो। पंकज के माता पिता को उस पर दया आ जाती है और पंकज के माता पिता उसको वो पतंग दे देते हैं, लेकिन पंकज नहीं मानता। वे उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह कहता है, ये मेरी पतंग है जो मैंने काटी थी कल, अब मैं ये किसी को पतंग नहीं दूंगा। बच्चा मायूस होकर जाने लगता है, तब पंकज उसको रोकता है और कहता है, ठीक है ये ले जाओ, लेकिन हर साल तुम मुझे ये पतंग दोगे। ठीक है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर साल मिलकर वे पतंग उड़ाते हैं। काकी, उस दिन बड़े सवेरे जब ऋषभ की नींद खुली, तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े जमीन पर सो रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बहुत करुण स्वर में रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब ऋषभ ने बहुत उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। काकी तो सो रही है, बोल पड़ा। उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा अपनी काकी को। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में वो न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के पर्दे में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रहता। आसपास के अन्य नादान बालकों के मुंह से वो प्रकट हो ही गया। ये बात उससे छिपी न रही कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। जिस तरह वर्षा के बाद एक दो दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी गायब हो जाता है, परंतु बहुत भीतर तक उसकी नमी बहुत दिन बनी रहती है, उसी प्रकार वो शोक उसके हृदय में जाकर बस गया। वो प्रायः अकेले बैठा बैठा खाली मन से आकाश में राम की ओर अपनी काकी को ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। फिर उठकर अपने बाबा घनश्याम के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से घनश्याम बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से बाहर चले गए। ऋषभ पतंग के लिए बहुत बेसब्र हो गया। वो अपनी इच्छा किसी तरह भी रोक नहीं पा रहा था। एक जगह खूंटी पर घनश्याम का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखा, उसने उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी लेकर वो तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला ऋषभ का समवयस्क साथी था। ऋषभ ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, समझे? पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। ऋषभ ने धीरे से कहा, बोला किसी से ना कहें तो एक बात कहूं तुमसे। ऋषभ ने रहस्य खोला, कहने लगा, मैं ये पतंग ऊपर राम के घर भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना तो नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। हाँ, भोला ऋषभ से अधिक समझदार था। उसने कहा, तुमने बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तब तो ठीक हो जाए। ऋषभ गंभीर हो गया, मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में पैसे नहीं है और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ भी ना देंगे।
उस दिन ऋषभ को चिंता के मारे देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने घनश्याम के कोट से एक रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी दो रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी मेरी काकी को उतरने के लिए। जवाहिर भैया से मैं कागज पर काकी भी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी ना तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। दो घंटे बाद प्रफुल्ल मन से ऋषभ और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग की रस्सी बांध रहे थे कि अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह घनश्याम वहां आ पहुंचे। भोला और ऋषभ को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सब पका कर एक ही डांट में मुखबिर बन गया। बोला, ऋषभ भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। घनश्याम ने ऋषभ को दो तमाचे जड़कर कहा, चोर, चोरी करके जेल जाएगा, ठीक है, आज तुझे अच्छा सबक सिखाता। कहकर दो चार थप्पड़ और जड़ डाले और उसकी पतंग भी फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर उन्होंने पूछा, ये रस्सियां किसने मंगाई हैं? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। घनश्याम एक क्षण के लिए हत बुद्धि होकर खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था, काकी।